वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं दिखाऊंगा सर्कुलर जो कोन होता है उसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। ये देखिए एक सर्कुलर कोन है, इसका वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो है एज बाई थ्री इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। एज का मतलब क्या है, एज का मतलब इसका हाइट। इसका देखिए ऊपर से नीचे बेस तक जो हाइट है इसी को मैं एच में दिखाया। और इसका जो डाया है, एक मीटर का डाया है, इसका आधा जो है रेडियस है, आधा रेडियस इसको आर में दिखाया। देखिए इसका जो आर में दिखाया, आर का कितना लिया मैं, एक मीटर का डाया होगा, इसका रेडियस कितना होगा 500 में होगा, मतलब 0.5 मीटर। और ये जो दिखा, ये जो हाइट है इसका 3 मीटर। तब चलिए फॉर्मूला में चलता हूँ सीधा। एच बाई थ्री इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, एच बाई थ्री, नेक्स्ट टाइम में इसको चेंज करता हूँ एच बाई थ्री पाई, अभी जो आर स्क्वायर है इसी को पहले चेंज करता हूँ नेक्स्ट टाइम में। आर स्क्वायर मतलब, आर मतलब कितना था, 0.5 मीटर था, तो 0.5 × 0.5। नेक्स्ट टाइम में चलता हूँ एच का कितना था, एच का था 3 मीटर था, तो इसमें 3 लिखता हूँ, 3 हो गया बाई 3 इंटू पाई का, पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है, तो 3.14 इसमें लिखा हूँ इंटू 0.5 इंटू 0.5, दोनों इंटू करने के बाद आता है 0.25 आता है। आप कैलकुलेटर में करके भी चेक कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते तो इसमें तीनों को 3/3 इंटू 3.14 इंटू 0.25 को इंटू करने के बाद 0.78 आएगा। ये जो यूनिट है इसको एम क्यू, और नहीं तो क्यूबिक मीटर भी बोल सकते आप, एम क्यू और क्यूबिक मीटर कोई भी एक बोल सकते आप। ऐसे करके आप इसका जो भाले में आराम से, इसका भाला मतलब इसका अंदर आपको कितना कंक्रीट आएगा, अगर कंक्रीट ऐसे वाला आपको कोन बनाना है, सर्कुलर कोन ऐसे बनाना है, तो आप इसका अंदर कितना कंक्रीट आएगा ये आप ऐसे इसी फॉर्मूला में आप निकल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ दोस्तों चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।